नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अनिल शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका मूल्य रेटी के साथ स्वागत करता हूं। मूल्य रेटी पर कई प्रकार के क्वेश्चंस 11th 12th थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मूल्य रेटी पर प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर न होने की वजह से हम उनको गलत कर देते हैं। अगर आप मेरा आज पूरा वीडियो देखेंगे तो आप मूल्य रेटी के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकेंगे। डेफिनेशन, द मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट होती है मोल पर लीटर, और मोलरिटी कंसंट्रेशन टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन लिया जाता है जो कि एक मिक्सर है, सॉल्यूशन टेम्परेचर से अफेक्ट करता है। फॉर्मूला मोलरिटी का NV/V, वेयर NV इज मोल ऑफ सॉल्यूट एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल लीटर। NV को हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है, तो NV मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स WV/MV, वेयर WV इज वेट ऑफ सॉल्यूट, MV इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू यदि आपका वॉल्यूम ML मिलीलीटर में दिया जाए तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये मैंने 1000 फैक्टर का यूज किया है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एक ही सॉल्यूट लेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आप बेसिक कंसेप्ट समझें कि इसमें होता क्या है। 1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाता है तो आप 1 लीटर वॉल्यूम ही मानेंगे। ऑक्जेलिक एसिड्स का फार्मूला, मोलर मास 126 ग्राम पर मोल, ये क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता, ये आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, और ये फार्मूला से निकल जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। अब हमें इस क्वेश्चंस में वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं मोलरिटी इनटू मोलर मास। मोलरिटी 1 मोलर क्वेश्चंस में डिजायर्ड है, मोलर मास 126, तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए वेट निकलेगा 126 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन, 1 मोलर सॉल्यूशन है लेकिन वॉल्यूम 500 ml है। अगर इसको हम ओरली बात करें तो जितना ऊपर निकाला है उसका आधा ही होगा, और अगर थ्योरेटिकली निकालें तो WV, जैसा कि इसी फॉर्मूला से WV इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, तो वही यहाँ मैंने लिख दिया है। मोलरिटी 1 मोलर है, मोलर मास पता है आपको, वॉल्यूम 500 है, और 1000 लीटर कन्वर्जन के लिए लिखा है। आपका वेट ऑफ सॉल्यूट ऑक्जेलिक एसिड 63 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन में 1 मोलर सॉल्यूशन है और 100 ml वॉल्यूम रखना है, सॉल्यूट हमारा फिक्स ही है, हम वही मान के चल रही हैं ऑक्जेलिक एसिड, तो ऐसे केस में आपका वेट ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। मोलरिटी फॉर्मूला अगर आप रखते हैं, फॉर्मूले में अगर आप स्टेपिंग सही करते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन सब चीज़ हम ओरली नहीं कर सकते क्योंकि मार्क्स तो रिटन पे ही दिया जाता है, थ्योरी पे ही दिया जाता है, इसीलिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और सेकंड स्टेप्स में उस फॉर्मूला के जो डाटा दिए जा रहे हैं उनको लिख के मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो WV इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो इस क्वेश्चन में 100 ml है, डिवाइड बाई 1000 ml, तो ये आपका आएगा 12.6 ग्राम। फोर्थ क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने M/10, जिसको मैं 0.1 मोलर भी कह सकता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड बनाना है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इस केस में आपको मोलरिटी दी गई है और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोलरिटी के स्थान पर मोलरिटी रखें, इज इक्वल टू WV/126, इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑक्जेलिक एसिड, इंटू 1 लीटर वॉल्यूम दिया है, तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट निकलेगा 12.6 ग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने कंसंट्रेशन M/50, जिसको मैं 0.02 ml लिख सकता हूँ, और वॉल्यूम है 500 ml, वॉल्यूम की जगह 500 ml रखें, मोलरिटी की जगह M/50 या 0.02 रखें, तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा 1.26 ग्राम। ऐसे ही आपका अगर सॉल्यूट लिक्विड है तब क्या करें, क्योंकि लिक्विड का तो वेट नहीं कर पाएंगे, तो लिक्विड सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए डाइल्यूशन इक्वेशन चलती है, लिखा है फॉर लिक्विड ओनली मोलरिटी इक्वेशन, तो इसमें हमने लिखा है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वेयर M1 इनिशियल कंसंट्रेशन, B1 इनिशियल वॉल्यूम, M2
फाइनल कंसंट्रेशन एंड वी टू फाइनल वॉल्यूम। मैंने इस डाइल्यूशन और मोलरिटी इक्वेशन पर HCl सॉल्यूट के साथ दो एग्जांपल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। निकालिए फाइनल मोलरिटी ऑफ HCl व्हेन 100 ml ऑफ HCl डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स मींस 1000 ml। 100 ml को 1000 ml में डाइल्यूट करना है HCl को। अब बताइए उसकी मोलरिटी क्या होगी। फॉर्मूला रखें, फाइनल मोलरिटी निकालनी है, तो M2 इक्वल टू M1V1 बाई V2। अब M1 HCl के केस में 12 मोलरिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आता है, तो ये तो आपको दिया नहीं जाएगा, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। HNO3 के केस में 16 मोलरिटी होता है, H2SO4 के केस में 18 मोलरिटी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यही M2 इक्वल टू 12 × 100 इनिशियल वॉल्यूम, और डाइल्यूटेड करना है, फाइनल वॉल्यूम बनाना है 1000 ml, तो ये आपका निकल के आता है 1.2 मोलरिटी। ये आपकी फाइनल मोलरिटी कही जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ HCl? V1 निकालना है टू मेक 0.2 मोलर। ये फाइनल मोलरिटी है, इनिशियल मोलरिटी नहीं देगा, क्योंकि HCl की इनिशियल मोलरिटी तो 12 m ही चलेगी। वॉल्यूम 500 ml, फाइनल वॉल्यूम दिया है, फाइनल मोलरिटी दी है, इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, और इनिशियल मोलरिटी आपको पता है। फोर फिगर हैं, दो दिए हैं, एक पता होता है, और एक कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है। तो V1 इज इक्वल टू M2V2 बाई M1, इट इज इक्वल टू 0.2 × 500 डिवाइड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 100/12, दैट इज इक्वल टू 8.33 मोलरिटी। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो चैनल मेरा ये पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मेरे मेल आईडी पर पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।